उके हमारे घर आया था तुम्हारे लिए। किसने भेजा है मुझे नहीं पता। अच्छे से याद करने की कोशिश कर लो, क्या पता ये वही हो जिसके लिए ये साड़ी पहनी है तुमने। इतना तैयार होके कहाँ जा रही थी, कोई डेट वेट तो नहीं थी? ये साड़ी हमारा आज का असाइनमेंट थी। तुम बोल क्या रहे हो, मतलब क्या है तुम्हारा? सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारी बेवफाई पकड़ी गई तो तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे जैसे ही हैं? ये फूल तुमने खुद भेजे होंगे कि यहां आकर तुम मुझे ये सब बोल सको? Really? तुम्हें लगता है कि इस वक्त मैं ऐसी प्लानिंग करूंगा तुम्हारे लिए? You know what? तुम्हारे करीब रहना भी मुझे तकलीफ दे रहा है, तुम्हारी मौजूदगी भी मुझे चुभ रही है, तुम्हारे पास होना तकलीफ पहुंचा रहा है मुझे, लेकिन फिर भी मुझे यहां पर आना पड़ा क्योंकि ये फूल जो हमारे घर पर पहुंचे इसके बारे में पूछना था तुमसे। You owe an explanation to me and the family. तुम्हें मुझे और मेरी फैमिली को बताना होगा कि ये सब क्या है। घर छोड़ने के बाद तुम्हारे ससुराल में ऐसे फूल आ रहे हैं, ऐसे प्यार भरे मैसेज के साथ। मुझे कोई अंदाजा भी नहीं है कि तुम बोल क्या रहे हो। जिस सच में नहीं पता ये फूल किसने भेजे, पर अगर अंकित तुम सच में यहाँ नहीं थे तो कोई था, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। झूठ बोलने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? मेरी बात को गलत वे में मत लो, हमारे बीच में जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन इस वक्त मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं वो है तुम्हारी सेफ्टी। एक बार के लिए मैं सोच भी लूं कि किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है, प्रैंक खेला है तुम्हारे साथ, लेकिन इसका क्या भरोसा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता? वो बंदा आज तुम्हें फूल भेज रहा है, कल कुछ भी कर सकता है। मैं नहीं चाहता हूं तुम ऐसी किसी चीज में इन्वॉल्व हो, क्योंकि ऐसे लड़कों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। बेहतर यही होगा कि तुम अपने मम्मा पापा के घर जाओ, यहां सेफ नहीं है तुम्हारे लिए। ओके? कैसे कर लेते हो तुम ये झूठी बर्फ पर दिखावा कैसे कर लेते हो तुम? इस फिक्र के लिए थैंक यू, लेकिन मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, पर अगर मैं किसी खतरे में होती भी ना तो इस दुनिया में वो आखिरी इंसान होते जिससे मदद लेने के बारे में मैं सोचती, क्योंकि मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है।